नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और राज्य में एक बार फिर महायुति ने वापसी की है। इसी के साथ पार्टी की टेंशन भी बढ़ गई है और वो टेंशन है राज्य का मुखिया चुनने की। जी हां, राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाए, इसे लेकर महायुति में रस्सा कशी चल रही है। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है स्लोगन काफी सुर्खियों में रहा। इन दोनों स्लोगन का विपक्ष काट भी नहीं खोज पाया है। सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने के बाद अब शिवसेना के नेता और समर्थक इसी नारे के जरिए एकनाथ शिंदे की अहमियत गिना रहे हैं और एक बार फिर शिंदे को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की बड़ी जीत हुई है, लेकिन इसी बड़ी जीत के बाद नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या फिर से एकनाथ शिंदे की ताजपोशी होगी या फिर देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलेगा? इसको लेकर महायुति के मंथन जारी है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद या राज्य में डिप्टी सीएम पद की पेशकश की गई है। एकनाथ शिंदे इस बात से कुछ नाखुश हुए हैं। मंगलवार को शिंदे ने 2 से 3 कार्यक्रमों में शिरकत तो की, लेकिन कहीं भी उन्होंने रोज की तरह मीडिया से बात नहीं की। ऐसे में सवाल है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या केंद्र में जाएंगे या कोई और फैसला लेंगे, ये देखना होगा। हालांकि शिंदे गुट में भी एक बड़ा वर्ग है जो इस बात के पक्ष में है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और पिछली बार भी बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद छोटे भाई के रोल में रही थी। इस बार तो वो पूरी तरह से सत्ता के बहुत ही करीब है। इसको देखते हुए साथ चलना ही बेहतर समझा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।